खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कांग्रेस के नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर ने राजा भोज को बताया डाकू लुटेरा। जी हां, राजा भोज की नगरी कहे जाने वाले भोपाल को मोहम्मद सगीर ने बताया कमलापति रानी की नगरी। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर ने कहा कि भोपाल के अंदर ऐसी कोई एक चीज भी बता दो जो कि राजा भोज ने बनवाई हो। वह तो एक डाकू लुटेरा था, लूट के लिए आता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल नगर निगम की सीमा में कहीं भी उनका वर्चस्व नहीं है और यहाँ की जो इमारतें हैं वह रानी कमलापति की निशानी है। कहीं ना कहीं नवाबी विरासत को खत्म करना चाहते हैं। और राजा भोज का क्या लेना देना यहाँ से? कौन सी चीज राजा भोज ने बनाई है वो तो मुझे बता दें। एक भी चीज पूरे भोपाल के अंदर राजा भोज ने नहीं बनाई। भोपाल नगर निगम सीमा में कहीं उनका वर्चस्व भी नहीं है, कहीं निशान दे ही नहीं है। नवाब हाँ, जो है रानी कमलापति की वो निशानी है। रानी कमलापति रानी थी यहाँ की, उसके बाद नवाब भोपाल बने, नवाब दोस्त मोहम्मद खान आए, उसके बाद सारी बेगमें आई और आखिरी नवाब हमीदुल्ला थे। राजा भोज तो एक डाकू था, डाका डालने आता था, अड़ी डालने आता था। आज राजा भोज को संत मान रहा है वो, बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहा है वो। भाई मोनो चेंज हम सरकार से बात करेंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, सीएम साहब से बात करेंगे। और मेरे पास तो मर्जर एग्रीमेंट है, उसके अंदर सीधा सीधा लिखा मोनो चेंज नहीं कर सकते। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।